राइट नहीं है सर, ऐसा कोई कहीं राइट नहीं बनता उनका। हाँ व्यापारी है, हम नहीं कहते कि वो ऐसे कोई व्यापारी नहीं है। चुनाव की जब बात करते थे तो वो भी चुनाव लड़े, जब हम प्रक्रिया में लगे, जब सारे जितनी संस्थाओं के पैसे आ जाएंगे, सदस्य के पैसे जाएंगे, तो वो चुनाव लड़े, कहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ भी करवाए, जो उनकी मर्जी है, अच्छा है जो करवा सकते हैं। हिंदुस्तान आजाद में पैदा हुए होंगे तो आजादी के बाद तो संविधान कहता है कि आप चाहे जो करें। जब तक सदस्य का और जो व्यापार मंडल के जो संगठन जितने भी जो हैं उनके जब तक पैसे है नहीं, तो संविधान में लिखा हुआ है कि उनको वोट डालने का राइट ही नहीं है। तो पहले सदस्य शुल्क तो जमा हो, और सदस्य शुल्क जमा करने के बाद में चुनाव की जो प्रक्रिया हम हमारे हिसाब से करेंगे, तो आप चुनाव लड़ना का मना करते हैं हम बकायदा। बाकी ये जो अभी कुछ लोग हैं जिनका कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेवजह इस व्यापार मंडल की छवि को खराब करने में लगे हैं। पहले भी ऐसे कथाकथित करके उन्होंने छवि खराब करी, अब फिर कुछ लोग ऐसे कथाकथित कर रहे हैं। नहीं तो इंतजार करिए, राजपूत है, जवाब देते हैं कि जब चुनाव आए तो आप चुनाव लड़ना कौन मना करता। हाँ बाबू ने जाने कल भगवान सिंह जी को और उनको कहा कि आप चुनाव करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने का जो हमने समय दिया है, जो 3 महीने से जब पैसा जमा हो जाएगा उसके बाद में तारीख निर्धारित कर दी जाएगी, तो उस टाइम में चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने से पहले चुनाव, 3 महीने से पहले हम चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि सदस्य शुल्क जमा नहीं होगा, तब तक कोई चुनाव नहीं होगा। ये दूसरा जो पार्टी बोल वो रहा चाहे वो चुनाव कराएं, जहां कराएं वहां कराएं, और यहाँ करने की या ऐसी कुछ करेंगे तो